जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा, जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा, तभी पे ना माने वाला देखो भाई। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, देखो आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। वहां जितने वहां बड़े दुर्दांत माफिया थे पहले यूपी में, बड़े बड़े दुर्दांत माफिया थे, पिछली सरकारें उन्हें प्रश्रय देती थी। एक दुर्दांत माफिया को तो कांग्रेस ने कई महीनों तक अपनी एक राज्य सरकार के अधीन उसको सुरक्षा कवच पहना के रखा, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़े। और आज ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। राम नाम सत्य है, हो गया सत्य।